जैसा कि हमने कल आपको बताया कि अपना शरीर बहुत रहस्यमय है और इसका चलाने का जो मैनुअल आपके पास होना वो आपके पास का मैनुअल सही नहीं है। जब हमें ऐसा लगा तो ये वैश्विक एनर्जी जो है आकस्मिक ऊर्जा जो अपने कुछ संचार चलाती है उसकी ज्ञान प्राप्ति होने के कारण सोचा कि आपको कुछ शरीर चलाने की संचालन क्रियाएँ जो है वो आपकी यदि सही ढंग से हुई तो आपका आरोग्य बहुत अच्छा रहता, आपको कोई व्याधि ग्रस्त नहीं होती। और इसीलिए मैं हम आपको आज शरीर बैलेंस करने की कुछ क्रियाएं समझा के बताते हैं। आखिर आपका जो शरीर ही है ना, ये शरीर जो है ये एक सॉर्ट ऑफ द व्हीकल ऐसा समझ लीजिए, चार चक्के का गाड़ी है ये व्हीकल। जैसे कि आपके दो शोल्डर जॉइंट्स और दो हिप जॉइंट्स, इसके ऊपर ही आपकी पूरी मूवमेंट्स होती रहती है, आपकी पूरी गति इसके ऊपर निर्भर है। आपकी चलन वलन क्रिया वगैरह जो कुछ भी होता है ये आपके चार जॉइंट्स जो है, जो मेन जॉइंट्स है इसके ऊपर अपना शरीर का ट्रंक मूव होते रहता है, जो चाहिए वो काम कर सकता। अभी ये शरीर जब चलता है तो ये चार चक्के जो है पहिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी, विशेष जानकारी हमको आने के कारण हम आपको बताना चाहते हैं कि अपना शरीर जो चलता है ना ये न्यूमेटिक सिस्टम पे चलता, ये एयरफोर्स पे ऊपर चलता, ठीक है। तो ये न्यूमेटिक सिस्टम जो जनरेट होती है बॉडी की, इसके मैकेनिज्म्स को सिंपल है लेकिन विज्ञान से उसका विशेष तरीके से अध्ययन न होने के कारण उसको आप प्रकाश में नहीं आया हो। तो ये सांस की जो क्रिया होती है इसमें जो प्रेशर रहता है पॉजिटिव और निगेटिव प्रेशर, क्योंकि सांस तो अपने आप ही होती है, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर में ये चारों जॉइंट का मूवमेंट निर्भर रहता। ये चारों जॉइंट क्लॉकवाइज भी घूमते, एंटी क्लॉकवाइज भी घूमते, ठीक है। लेकिन ये घूमने की दिशा ये जो निर्भर होती है ये अपने कॉस्मिक एनर्जी के सिस्टम पे निर्भर होती है, ठीक है। और जैसा कि योगा में कहा है कि शरीर संचालन होता है, इसमें सुषुम्ना नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी रहते, बात सही है। लेकिन ये विज्ञान को ये नाड़ियाँ तो दिखने में आई नहीं, आकलन हुआ नहीं। ये नाड़ी जो चलती है ये सांस का प्रेशर जो है अपना उस पर निर्भर रहती है, और यदि ये प्रेशर में अल्टरेशन्स आ गए तो फिर आपको ये जॉइंट्स में सभी प्रॉब्लम आते हैं। जैसे समझ लीजिए कि आपके गाड़ी का कोई एक चक्का पंक्चर हो गया, क्या आपकी गाड़ी बराबर चल सकती? नहीं चल सकती। तो जब ये चारों जॉइंट का प्रेशर संतुलित हो जाएगा तो आप बहुत ही सुखकारक स्थिति में रहते, आपको कोई किस्म की व्याधि नहीं होती, ऐसा हमें कहना है। अब ये न्यूमेटिक सिस्टम जो है तो इसका शॉर्ट में आपको बताता, आप जब कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ लेते, हाथ में पकड़ लेते ऐसा, ठीक है, वो उसकी ग्रिप बहुत फास्ट रहती, छूट नहीं सकती। इवन छोटा बच्चा भी अपनी मुट्ठी बनता है तो मुट्ठी छूट नहीं सकती, इतनी ताकत तो नहीं रहती। लेकिन जब ये उंगलियां कांटेक्ट होती है तो अपने पाम के अंदर में निगेटिव प्रेशर तैयार होता है, वो निगेटिव प्रेशर वो उंगली को खींच के पकड़ता है। वैसा सोल में, पैर के सोल में भी जब अपन स्टैंड होते हैं जमीन के ऊपर तो आप गिरते नहीं, किसने धक्का मारा तो भी, तो आपकी बॉडी बिल्कुल फिक्स रहती है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ द वैक्यूम तैयार होते रहता बॉडी के सोल और पाम के अंदर, और वो वैक्यूम के कारण में आप लोग बराबर उसकी ग्रिप काफ़ी पकड़ में रहती। एक एग्जांपल दिया जाए सर्वसाधारण लाइफ में, तो आप दीवार को जो वैक्यूम का लगाते उसके ऊपर काफ़ी वजन दिया तो भी वो गिरता नहीं, वैक्यूम के जो कंट्रोलर्स आ गए। तो वैसे ही सिस्टम अपने शरीर में होती है, लेकिन साइंटिफिकली ये अपन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते कि ऐसा मैकेनिज्म हो रहा करके, ना कि उसके ऊपर में एविडेंस बेस बना सकते उसको। अभी हमको ये अनुभूति आई इसके कारण हम आपको रिलीज़ कर रहे हैं कि ये यदि संतुलित आपने किया निगेटिव प्रेशर, निगेटिव प्रेशर मीन्स नथिंग बट इट इज़ द फोर्स ऑफ द ब्लैक होल, व्हाट जो मैंने बताया अदृश्य अदृश्य स्थिति, ये अदृश्य स्थिति का फोर्स है ये, और ये अदृश्य स्थिति आपको संचारित करती है, ऐसा हमें कहना है। अभी जब हमने देखा कि आप लोग शरीर संतुलित करने के लिए योगी क्रियाएँ आपको बताइए, प्राचीन जमाने से बताइए, ये क्रियाओं में भी आपका जो पारित होना चाहिए और जिस ढंग से आपने वो करना चाहिए उस ढंग से नहीं हो रही, ऐसा हमें देखा जाए। क्योंकि शरीर का संतुलन करने के लिए आपको कोई दूसरी चीज़ का आधार लगता है बैलेंस करने के लिए, यदि एक साइड का वजन कम होगा तो दूसरे साइड में अपना डालना है। आप अकेले में ये पूरी क्रियाएँ करेंगे तो ये संतुलित होता नहीं। हमने देखे बगीचा में जाके और बहुत सारे लोग योगा करते, वो बैलेंस करने के लिए अपनी उंगलियाँ कम ज़्यादा ऐसे ऐसे करते रहते, ये सिर्फ उंगलियाँ और मुट्ठी बांधना और छोड़ने से ये संतुलित होने वाला नहीं है। मेन बात इसमें ये है कि आपके शरीर के जो सभी उंगलियाँ है, अंगूठा हो गया या तर्जनी हो गई, मध्यमा हो गई, अनामिका हो गई, ये सबके टिप के ऊपर में प्रेशर पॉइंट्स रहते हैं। अब ये प्रेशर कैलकुलेट तो आप कर नहीं सकते, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करके खुद के हाथ से दोनों उंगलियाँ ऐसे दबा के देखिए अंगूठे और इसमें में, आपको समझ में आएगा यदि आपका शरीर इम्बैलेंस होगा तो ये इसमें का प्रेशर कम ज़्यादा लगता।
वैसे ही आप दो टो के ऊपर में खड़े रह के देखिए, सिर्फ पैर के टो के किसी का आधार लेके, आपको ही समझ में आएगा कि दो पैर के टो का प्रेशर कम जाता है। बताने का मतलब ये है कि न्यूमेटिक सिस्टम यदि आपको देखना है तो आप अंगूठे का प्रेशर और पैर के टो का प्रेशर स्टैंडिंग होकर देखिए, और यदि आपके समझ में आता है कि दोनों पैर के टो में प्रेशर अनइक्वल है, समझ लीजिए कि आपके एनर्जी का इम्बैलेंस हो गया है। एक बार यदि ये एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है तो आपको बहुत सारी व्याधियाँ ग्रस्त करती है ना, जिसको विज्ञान विविध रूप के नाम देता है और आप उसका उपचार करते। इसके लिए दवाई और लेके ये कंट्रोल में नहीं आता, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको आपका मन संतुलित करके, वहाँ की प्रेशर सिस्टम एक्टिवेट करके उसका संतुलन करना पड़ता है, तो ये अपने आप होता है। धीरे 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 आपका शरीर पूरा बैलेंस होता है। अब इसके लिए हमको कुछ ज्ञान आया कि ये शरीर संतुलित कैसा किया जाए। ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन आज तक हमने हमारे ख्याल में भी नहीं आई कि ये किसी ने आपको बताएंगी। पर्टिकुलरली अपना ये अंगूठा है, हाथ का ये अंगूठा है, ठीक है। इसके रोटेशन हो जाते हैं, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसे अपन इसी हाथ से काम करते, ये एक्सेस में रोटेशन हो जाता है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट हैंड। अपने शरीर की दोनों साइड की मूवमेंट इक्वल नहीं रहती, अपन राइट हैंड से काम करते तो राइट साइड मूवमेंट ज़्यादा होता। ये अंगूठे के रोटेशन, ये सभी उंगली के रोटेशन हो के आपका रिस्ट जो है ये घूम जाता था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक पर्टिकुलर पोजिशन ले सकता। आप दिखने को ऊपर से सही दिखते, लेकिन ये पोजिशन ये रोटेट हो गया है, इंटरनली रोटेट हो गया है, ये आपके ख्याल में ही नहीं आता। उसके कारण आपके शोल्डर में प्रॉब्लम आता, आपके स्पाइन में प्रॉब्लम आता, गर्दन में प्रॉब्लम आता, तो ये प्रॉब्लम प्रेशर अल्टरेशन और एक्सेसिव रोटेशन से होते। जबकि ये ऐसा होता है और ये विज्ञान को समझता नहीं, डॉक्टर भी आपको टेस्ट करता है उसको भी इंटरनली आपका एक्सेस में रोटेशन हो उसके बारे में ख्याल नहीं आता। और यहाँ का रिस्ट का जो 10 बोन्स रहते इसका पोजिशन इंटरनली अल्टर होता, जो आपको एक्सरे एमआरआई में भी नहीं दिख पड़ता, क्योंकि इसकी एक्सेसिव रोटेशन के कारण ये बोन के अंदर छोटे बोन जो है मूवमेंट करने वाले, इसकी भी अलाइनमेंट जो है वो इंटरनली रोटेट होते, एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन ले लेता। और ये पोजीशन कुछ आप खोलते नहीं जब तक वहाँ का प्रेशर है, अंगूठे का प्रेशर आप बैलेंस नहीं करते, तब तक आप कितना भी मुट्ठी दबाओ छोड़ो, कितनी भी ताली बजाओ, हाँ ये होने वाला नहीं है, मैं आपको बताता। अब इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए आपने ये करना चाहिए, एक सिंपल जो प्रेशर इक्वल करने के लिए, क्योंकि प्रेशर ये सिंपल जो रबर बैंड है, ये सिंपल रबर बैंड है, हाँ ये सिंपल रबर बैंड को दो अंगूठे में ऐसा फंसा के लाइक दिस, ठीक है, इसको ऐसा रोटेट करना चाहिए लाइक दिस। सिर्फ मुट्ठी बांधने से नहीं होगा, लाइक ऐसे ये करने से नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, ये रबर बैंड के कारण दोनों अंगूठे का प्रेशर धीरे 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 इक्वलाइज होना चालू हो जाएगा। यू टाई दिस दे विल फिक्स एंड देन यू क्लैप। आप जो आपको जो बताया जाता है कि सिर्फ ताली बजाओ ताली से ठीक होता, सिर्फ ताली से नहीं होगा, जब ये रोटेशन इक्वल आएंगे तभी वो ठीक होगा। ये एक मेथड है कि उंगली में रबर बैंड डाल के और उसको ऐसा ऐसा चक्के जैसे घुमा दे गाड़ी के लाइक दिस, ये रबर बैंड को पकड़ के यानी इसका आधार लेके आप कीजिए, क्योंकि एनर्जी कैसे है, अपनी सृष्टि कैसे है, यहाँ बिना आधार से कुछ उत्पन्न नहीं होता, किस एक में का सहारा लगता है, सूरज है पृथ्वी है दोनों या आप में को पूर्व है, इसीलिए यहाँ उत्पत्ति है, ठीक है। आप अकेले भी कुछ क्रिया करने जाओ तो आपसे उसमें से कुछ क्रिएशन फिलोसॉफिकल होगा, स्ट्रक्चरल वे से क्रिएशन नहीं होता, उसके लिए किसी का सहारा और आधार ही चाहिए। द सेम स्टोरी अप्लाइज टू आवर मैनेजमेंट ऑफ द दिस एनर्जी। आपको किसी का आधार लेके ही ये क्रिया करना पड़ता। आपके साथ में कोई पार्टनर है होगा तो उसका हाथ पकड़ के आप मूवमेंट कीजिए तो वो तो बहुत फास्ट जल्दी ही हो जाता। पर्टिकुलर फीमेल पार्टनर रहा तो इंस्टेंटली होता है, इतना मैं आपको बताता। लेकिन आपके जीवन में जो बंधिल किए है, जो बंध जीवन आपका जो बद्धता से चल रहा है ना, उसके कारण आप लोग अकेले में करते रहते, बहुत कोशिश करते रहते, मेहनत करते रहते, लेकिन इतना करने के बावजूद भी आपको यदि रिलीफ नहीं मिलता, इसलिए हम वो लगा कि भाई सिंपल और आसान क्रिया जो है, जो आपको पारित हुई है, वो आपसे प्रस्तुत कर रहे हैं, आप कृपया करके देखिए। दूसरी मेथड अपना न्यूमेटिक सिस्टम जो बदलती है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सिंपल रिंग है, ये टेनिकॉइट रिंग है, इसको पकड़ के भी आप दोनों साइड से उंगलियाँ लाइक दिस करेंगे, मूवमेंट करेंगे, हाँ ऐसी उंगलियाँ करेंगे डेली, हाँ सांस लेना और सांस छोड़ने के साथ में, जब अंदर आता तब सांस अंदर लेना चाहिए, जब बाहर जाता तब सांस छोड़ देना चाहिए, ये अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये सिस्टम भी आप करेंगे तो आपका पूरा शरीर कुछ ही दिनों में बैलेंस हो जाता है। आपके सभी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रॉब्लम, आपके फ्रोजन शोल्डर के प्रॉब्लम, आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस प्रॉब्लम, ये आसानी से निकल जाएंगे, इसकी हम गवाही देते हैं। कृपया आप ये ज्ञान को प्रेषित कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, आप शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, जो कुछ आप कीजिए, जो कुछ आपको अच्छा लगता है कीजिए, लेकिन बिना दवाई से इंसान ठीक हो सकता,
इसकी जानकारी हमको आई है तो युवा और आप बहुत सुखद और अनुभूत जीवन जीना चाहिए ऐसा हमें लगा, इसीलिए आपके पास आपको ये हम लेक्चर ये मिडलाइन थेरेपी प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद।